दर्शकों, बहुत सारी यूनियनें हैं जो कि इस वक्त काम कर रही है, जिनको कर्मचारी यूनियन के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो यूनियनें हैं वो या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, यानी कि या तो वो वामपंथी है या फिर दक्षिणपंथी है, ये माना जा रहा है, ये कहा जाता है। और ये इनमें से ज़्यादातर जो इनके जो अध्यक्ष होते हैं या इनके जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मनवादी होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जो इन पार्टियों की विचारधारा से प्रेरित होते हैं और इन्हीं के अनुसार वो काम करते हैं। ज़्यादातर उनमें सवर्ण ही प्रमुख रूप से होते हैं। पिछले दिनों नागपुर में भी रेलवे की एक कर्मचारी यूनियन की यहाँ पर 9वीं वार्षिक बैठक हुई, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कामगार परिषद केंद्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अध्यक्षता की SN त्यागी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं SRBKU के, और इसी प्रकार जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट JS पाटिल और इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट NB जारोंडे इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। और इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन था वो स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन द्वारा किया गया। साथियों, मेंबरशिप अभी वास्तविक में हमारा लगभग 400 लमसम में हो चुका था और उसको हम एक आदमी को टाइप भी करने के लिए दिए थे कि हम जाते जाते हमको दे देना पूरा फीड करके, लेकिन संभवतः हम कल पूछे तो बोले कि नहीं, नहीं हो पाया है। तो इस महत्वपूर्ण AGM मीटिंग में मीटिंग की प्रस्तावना, उद्देश्य एवं महत्व महासचिव विकास गौर, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के द्वारा रखी गई। इस मीटिंग में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन सहित स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के संपूर्ण भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनल, मंडल एवं ब्रांच बॉडी के कार्यकारिणी सदस्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। इस सम्मेलन में, इस मीटिंग में, इस जो जनरल मीटिंग है, इस मीटिंग में आए हुए जो प्रमुख वक्ता थे, जो प्रमुख अतिथि थे और अध्यक्ष, इन्होंने भी अपनी बात जो कही, इसमें इसी बात को दोहराया गया कि इसे ट्रेड यूनियन के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए ताकि इसमें चुनाव हो सके, ताकि इसे मान्यता भी प्राप्त हो जाए। स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जोरांडे साहब ने बताया कि रेलवे में यूनियन चुनाव लड़ती हैं, मान्यता प्राप्त के लिए चुनाव लड़ा जाता है, AIRF और NFIR और विभिन्न संगठन, जो मनुवादी संगठन है, लेफ्ट और राइट के संगठन हैं, वो चुनाव लड़के उनको मान्यता मिलती है। साथियों, एसोसिएशन चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है और एसोसिएशन चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है, ये माननीय जोरांडे साहब ने बताया। चुनाव जब वो चुनाव लड़ते नहीं हैं और चुनाव का जब मौका आता है तो SC ST के कर्मचारी एसोसिएशन मजबूरी बस, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए मजबूरी बस वो गांधीवादी विचारधारा या RSS की विचारधारा के संगठनों को अपना वोट देते हैं और उन्हें ताकतवर बनाते हैं। महेश चंद्र जी, जो इसमें एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस का जो विचार है ये बाबा साहब के उस विचार से आता है जो उन्होंने बहुत पहले अपनी बात कही थी। 27 मई 1947 बम्बई डॉकयार्ड मजदूरों के सामने किया हुआ भाषण, दलित कामगारों ने किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार से सावधान होकर खुद का संगठन मजबूत बनाना चाहिए। 1934 में मुसलमानों को 25% जगह सरकारी नौकरियों में रखी गई थी, उस समय दलितों के लिए आरक्षण नहीं था। मैंने प्रांतिक और भारत की सरकार से झगड़कर दलितों के लिए 100 में से 8% जगह मिलकर दी। बाद में मैं 1942 से 1945 तक वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर था, तब मैंने दलितों के लिए अनगिनत नौकरियां मिलाकर दी।
मैंने मेरे पद से जब इस्तीफा दिया उसके पहले दिन मुझे समझा कि सरकार ने दलितों के लिए 12.3% जगह आरक्षित की। यह मैंने संघर्ष करके झगड़कर और कानून के द्वारा मिलाया है। अब भय आपको प्राप्त करना है। यह हक पाने के लिए आपको संगठन बनाकर संगठित होना चाहिए। आपका संगठन यदि मजबूत नहीं रहा तो जो मैंने आपको बड़े ही कठिनाइयों से मिला कर दिया है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दलित कामगारों ने खुद का हित ध्यान में रखते हुए अपना संगठन ट्रेड यूनियन, यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं ट्रेड यूनियन, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिस्ट इनके झूठे प्रचार से बचकर खुद की बलि ना चढ़ाते हुए हमें हमारी लड़ाई स्वयं लड़कर उसे सफल बनाना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं।